कल कंप्लेनर आत्रा रामकृष्ण शेवाड़े ये सवन गांव का आदमी है। इसकी 7-12 तारीख को मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, तो उन्होंने 2-4-8 दिन को ढूंढा, ढूंढने पर ना मिलने पर वो कल पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई। जैसे ही उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई तो हमने वो टू व्हीलर पहुँचने की कोशिश की, तब आरोपी शहजाद अहमद शफीक अहमद और अतिकुर रहमान मोहम्मद हारून, इनके पास जो टू व्हीलर है ऐसी मालूमात मिली। इन दोनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन में लाके उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने सवन गांव से वो टू व्हीलर स्प्लेंडर गाड़ी चोरी की हुई है, तो उनको उस गुने में अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनसे और ज़्यादा मालूमात लेने की कोशिश की, तो उन्होंने हमको 3 स्प्लेंडर, 2 पैशन प्रो, 1 सिटी डिलक्स और 1 यूनिकॉर्न गाड़ी जो उन्होंने मालेगांव शहर में कई जगहों से चोरी की थी वो हमको मिली। वो मिलने के बाद हमने उनके जो ओनर है उनसे भी, वो ओनर कौन है उनकी मालूमात लेने की कोशिश की, तो कुछ गाड़ियों के ओनर भी मिल चुके हैं। आरोपियों को परसों तक पुलिस हिरासत मिली है। मेरी मालेगांव के नागरिकों से गुजारिश है कि कोई भी विदाउट पेपर की गाड़ियाँ किसी से सस्ते में खरीदी मत करो, क्योंकि आदमी लालच में आकर सस्ते में गाड़ियाँ खरीदी कर लेता है। शायद बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की भी रहती है, तो आपका उसी में नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि विदाउट पेपर की गाड़ियाँ कोई न ले। धन्यवाद।